विंध्य कॉरिडोर के निर्माण कार्य प्रगति पर होने से चारों तरफ फैले मकान और दुकानों का मलबा स्थानीय नागरिकों के साथ ही तीर्थ यात्रियों के लिए भी मुसीबत बना है। नालियों के जाम होने से गंदा पानी मार्ग पर बह रहा है। जगह जगह पेयजल की पाइपलाइन टूटने से लोगों के सामने विकट समस्या खड़ी हो गई है। नंगे पांव मां के धाम में जाने वाले भक्तों को उबड़ खाबड़ मलबों के ढेर के ऊपर से होकर गुजरना पड़ रहा है। विंध्याचल धाम में गलियों को 35 फीट चौड़ा करने का काम किया जा रहा है। सैकड़ों मकान और दुकानों को तोड़ा गया है। उनके बिखरा मलबा एक तरफ जहां लोगों के लिए राह में रोड़ा बना हुआ है, तो वहीं नालियां जाम हो गई हैं। जगह जगह पानी की पाइपलाइन टूटने से पेयजल की समस्या भी खड़ी हो गई है। बदबूदार पानी और उसमें पनप रहे मच्छरों के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। निराकरण के नाम पर केवल कार्यदायी संस्था आश्वासन दे रही है। समस्या जस की तस कायम है। बरसात होने से धाम की ओर जाने वाले मार्ग कीचड़ से पट गया है। नागरिकों ने नालियों की सफाई कराकर दुरुस्त किए जाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि गंदगी बदबू के बीच जीवन नरक हो गया है। मिर्जापुर से नितिन अवस्थी की रिपोर्ट। आपका नमस्कार, मेरा नाम उदयराज गुप्ता है। जी बताइए क्या समस्या है। समस्या ये है कि ये जो भी रोड इतनी चौड़ी हुई है, हम लोगों के लिए विकास का एक अच्छा जरिया है, लेकिन इसमें समस्या ये है कि हमसे ज्यादा समस्या यात्रियों को हो रही है, क्योंकि वो एक दिन ही आते हैं नंगे पैर। यहाँ पूरा बर्तर चौराहे से मंदिर तक जाते हैं पैदल नंगे पांव, और यहाँ पे पूरा मलबा गिरा हुआ है, उनके पैर में भी चोट लगता है। आने जाने में हम लोग को भी समस्या होती है। नाली का पानी बहता रहता है, पाइप का पानी बहता रहता है, सीवर है, कहीं कहीं सीवर भी खुला हुआ है। जय किसान। जय किसान जी, क्या समस्या है। समस्या हमारे यहाँ है कि कॉरिडोर के लिए 35 फीट हमारे खुदवाई गई और चौड़ी हो चुकी है, मगर यहाँ नाली का पानी और पीने के पानी की प्रॉब्लम हो रहा है। बस सब जमीन पे सड़क पे भर रहा है, यात्रियों को आने जाने में असुविधा हो रही है। इसके इस हम लोग का अनुरोध है कि सरकार से कि इसके तुरंत दुरुस्त कराएं। विंध्याचल विंध्य कॉरिडोर पे जो 35 से 40 फीट मकानों का लिया जा रहा है, तो नाली है और घरों का लोगों गंदा पानी और पीने के जल है, बहुत यात्रियों को दिक्कत भी हो रहा है, स्थानीय लोगों को दिक्कत। तो क्या करें। देखिए वहाँ पे जो भी तोड़ फोड़ हो रहा है वो पीडब्ल्यूडी के द्वारा किया जा रहा है, और गंगा प्रदूषण इकाई के द्वारा सीवर गलियों में डाला जा रहा है। लेकिन जो भी ऐसी सूचनाएं आती हैं गंदा पानी की, हम तत्काल भेज के कराते हैं। एक दिन मैं वहाँ पे गया भी था, एक हमारे कार्यकर्ता घायल हुए थे पवन अग्रवाल, तो हमने देखा कि मलबा पूरा जमा था। मैंने तत्काल सिटी मजिस्ट्रेट से कहा कि एक जेसीबी लगी है, एक जेसीबी से जल्दी मलबा नहीं हटेगा, आप तुरंत दो जेसीबी कराइए। और फिर दूसरे दिन से दो जेसीबी लगा, मलबा हटा है। नगर पालिका के स्तर से जो भी समस्याएं आती हैं, चाहे नाली को लेके, चाहे अभी आज सुबह ही भैरव गली से लेके और 10 देर कोठी तक कूड़ा और नाली का आया, क्योंकि गाड़ियां जा नहीं पा रही हैं, बड़ी छोटी पिकअप से या ठेला के माध्यम से ही हम सफाई का जो मलबा निकल रहा है उसको हटवाएंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी जनता की समस्याओं को लेकर सुझाव आएंगे, जानकारियाँ मिलेंगी, तत्काल उस पर हम कदम उठाएंगे और सहयोग के साथ काम कराएंगे। टॉप न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।